अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम यासर में एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नामर्दी के ऊपर। तो आज हम इसके अंदर जानेंगे आखिर क्या होता है, इसके नुकसान क्या हैं, क्यों होता है, इसका परहेज़ क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इसे जानने से पहले हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आपका आपके शर्मगाह के अंदर तनाव का नहीं आना, बस यही समझ लिए तनाव का नहीं आना। अगर आता भी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर के बाद ढीला हो जाता है, और ज़्यादा लंबे अरसे तक तनाव नहीं रहना, तो ये है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कुल मिला के तनाव नहीं आना। तो इसके नुकसान भी बहुत है, यानी आपके जो पार्टनर है यानी वाइफ हो या कोई भी आपके पार्टनर हैं, तो उससे बिल्कुल आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहना, रिलेशन भी अच्छा नहीं रहेगा, शादियों का टूटना, लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन में रहना, और ख़ुद का भी अपना किसी काम में दिल नहीं लगना। तो यही है इसके कुछ नुकसान। और अब ये होता क्यों है ये समझ लेते हैं हम। तो ये इसलिए होता है ज़्यादा शराब नोशी करना, नशावार चीज़ें ज़्यादा खाना, ज़्यादा बाहर के उल्टे सीधे चीज़ें खाना, गलत सोसाइटी में बैठने के बाद अपने हाथ का इस्तेमाल करने के बाद वो अमराज पैदा कर लेना, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई है दांत की, ज़रियान की, नाइटफॉल की, इन चीज़ों की मैंने बनाई है, तो उसके अंदर भी मैंने समझा रखा है। तो ये अमराज पैदा कर लेना, बहुत लंबे अरसे तक रहना और फ़ोन पर बात करना जिससे चिपचिपा पानी निकलता रहता है, तो उससे भी नामर्दी आती है आपके अंदर। और ज़्यादा अगर देखा गया है इसके अंदर चोट वगैरह लग जाना, आपके टेस्टिस माइंड कोश के अंदर चोट लग जाना, या आप बहुत लंबे अरसे तक कोई बहुत बीमारियों के अंदर मुब्तला हों, ये दिमाग में चोट लग जाना, या ड्राइवरी करना या लंबे अरसे तक बैठे रहना, तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं ये आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो आ जाते हैं हम परहेज के ऊपर। तो इसके अंदर परहेज किन किन चीज़ों को करना है, सारी नशावर चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उल्टा सीधा खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब भी आपको अपनी शर्मगाह का इलाज करना होता है किसी भी चीज़ के मर्ज का, मतलब शर्मगाह से ये धात आ रही है, अतलाम हो रहा है आपको, या चेपा आ रहा है, या आपको नामर्दी हो रही है, शरीर पतन हो रहा है, कुछ भी मसला हो रहा है आपको, तो आपको सारी तली हुई खट्टी चीज़ें, गर्म मसाले वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों का छोड़ना पड़ता है बिल्कुल। यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं उसको आप सुकून देने का वक्त है। साथ में फिर इलाज करा जाता है तो आदमी ये अपने इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि वो एक दिन मर्द बन जाता है। तो इसका इलाज क्या है, देखिए मैंने सबसे पहले नंबर पे ये समझ लिया इसके अंदर नुकसान किन किन चीज़ों को हुआ। आपके शर्मगाह को नुकसान हुआ, उसकी नसें जो हैं वो ब्लॉकेज हो गई हैं, उसका ना खून जो है, खून का दौरान फ्लो जो है उसका वो नहीं चल रहा। तो उसका फ़्लो चालू करने के लिए क्या करना है आपको, एक्सटर्नली यूज़ करना है, बाहरी यूज़ करना है, जो मैंने पट्टी वाला तिला बता रखा है, जो मैंने पट्टी वाला तिला बता रखा है उस तिले का इस्तेमाल करेंगे, मसाज करेंगे और डेली बेसिस पर पान का पत्ता लगाएंगे उसके ऊपर बांधेंगे, और इतनी देर तक बांधेंगे जब इरेक्शन अगर थोड़ा सा भी आए रात को, तो इरेक्शन आते के साथ ही उस पान के पत्ते को हटा देंगे। पान के पत्ते का इस्तेमाल भी ऐसे करना है, उसको हल्का सा सेक लेना है आपको, किसी भगवाने को गर्म करा उसके अंदर पान का पत्ता रख के कपड़े से उसको सेक लिया, उसके बाद उसके ऊपर बांध लिया आपने, मसाज करने का 5 से 7 मिनट की मसाज चलेगी, 2 बार चलेगी, सुबह भी और रात भी। तो ये हो गया आपका बाहरी यूज़ करने के लिए ऑयल, ठीक है। खाने के लिए दवा भी समझ लीजिए इसके अंदर खाने की दवा कौन सी चलेगी। तो इसके अंदर देखा जाए तो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमियाँ हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को, कमियों को पूरा करने के लिए जो मैंने 15 जड़ी बूटी वाला माजून बताया है, वो ताकत को पैदा करता है, मनी को बढ़ाता है, गाढ़ा करता है, पैदा करता है बहुत ज़्यादा। और ठंडा माजून है, इतना गर्म नहीं है, मतलब है गर्म वो, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, 3 चीज़ों को मिलाना है, जायफल, जावित्री और आपकी ये हो गया केसर, केसर अच्छा वाला बेबी का लेना है, 1 ग्राम का काफ़ी होगा, तो आपको ये केसर ले लेना है। माजून मैंने जितना बताया सबका रेशियो, इसके अंदर आपने अगर 100 ग्राम माजून आपने वाला तैयार कर लिया, तो उसके अंदर 10 ग्राम आप जायफल और 10 ग्राम आप जावित्री मिलाएंगे, और 1 ग्राम केसर को गुलाब का अर्क लेंगे आप, गुलाब का अर्क आप किसी ओखले के अंदर अर्क डाला गुलाब का और केसर सारा डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा अर्क डालना है ताकि वो अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो घिसेगा नहीं, पूरी तरीके से घुटेगा नहीं। तो आपने थोड़ा सा अर्क डाला और केसर 1 ग्राम डालने के बाद उसकी घुटाई करी, घुटाई करने के बाद आपने जब पूरा वो घुट जाएगा तो उसके अंदर जायफल, जावित्री या कोई भी माजून हो उसके अंदर मिक्स कर देना आराम से, मिक्स करने के बाद वो माजून सबको फेंक लेना, उसके अंदर बन गया आपका माजून तैयार। 1/2 चम्मच आपको सुबह खाना है, 1 सुबह नहार मो 1 गिलास गर्म दूध से, ठीक है। और दूसरे नंबर में आपको रात को सोते वक्त खाना है 1 गिलास गर्म दूध के साथ। तो आते हैं हम दूसरे नुस्खे पर, दूसरे नुस्खे पर इसके अंदर हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो तुक्मे रहान हो गया, दूसरा हो गया अकरकरा। दोनों को बराबर मात्रा में जितना भी आप चाहें अपने हिसाब से आप पीसिए, देखिए हो दोनों बराबर वजन में,
अगर करा ओरिजिनल होना चाहिए, ईरानी वाला चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा, बिल्कुल बेकार होता है, कोई फ़ायदा नहीं उसे खा के। अगर आपने ये वाला जो पहले वाला जो माजून का जो मैंने बता रखा है वो आप खाते सुबह नहार मुँह और रात को सोते वक्त आधा आधा चम्मच, तो ये वाला नहार मुँह नहीं चलेगा। ये आपको खाना खाने के बाद, ये वाला आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के एक घंटे के बाद, खाना खाने के एक घंटे के बाद इसको लेंगे पाउडर को आधा चम्मच, एक कप दूध के साथ, दूध नहीं हो तो पानी से भी ले सकते हैं। और एक बार लेंगे आप शाम में, शाम में किस समय, जिस समय भी आपका खाली पेट होता है शाम में, उस वक्त आप खाली पेट इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये लेना है आपको दो टाइम ये और दो टाइम ये, और आपको मसाज करना है उस पट्टी वाले ऑयल के, उसका जो पान का पत्ता डेली बेसिस पे लगाना है। अगर आप देखें पान के पत्ते से हल्का फुल्का दाना निकल रहा है तो उसकी टेंशन मत लेना, दाना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस दिन पान का पत्ता लगाना छोड़ देना, जिस दिन दाना निकले उसके बाद आप थोड़ा सा उसके ऊपर देसी घी की या नारियल के तेल की थोड़ी मसाज करेंगे, तीन दिन के अंदर दाना गायब हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपको इलाज करना है, लग के करेंगे 60 दिन तक, अगर ज़्यादा नामर्दी पुरानी है तो, और अगर आपको अभी शुरुआती मसला है तो ये कम से कम 15 दिन के अंदर ही आपका मसला हल हो जाएगा। इसको कुल मिला के इस्तेमाल करिए और अच्छी चीज़ लगाइए। अगर कर ओरिजिनल लगाएंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और बाकी सोसाइटी को अच्छा कर लिए, और डिप्रेशन पर रहने की ज़रूरत नहीं है, सब खत्म हो जाएगी बीमारी, सिर्फ यही इलाज करिए, ठीक है। बाकी आप दुआ में याद रखें, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, और जो भी चीज़ नहीं मिले वो आप मंगा सकते हैं हमसे, ठीक है। बाकी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।